मैं आपका खादिम समाजी वर्कर एडवोकेट सरवन कुमार भील कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान शेड्यूल कास्ट अलायंस। थोड़ा शेड्यूल कास्ट का आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान बनाने वालों में शेड्यूल कास्ट का अहम किरदार था और कायदा की पहली कैबिनेट में कानून का लेबर का पहला मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल था। इस दौरान बिलोंग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट जो पॉपुलेशन है सिंध के अंदर जिस तरह हिंदू बरादरी 100% उसमें 95% शेड्यूल कास्ट है। उसके अंदर 40 जातें आती है कोली भील नगवाड़ जो कि जनरल आसान किसानी कबूतरा बाकी बात की और वगैरह इस तरह की कम्युनिटियां हैं जो सन ऑफ सॉइल है मार्जिनलाइज कम्युनिटी के। तो मैं यहां पे उनकी एक नुमाइंदगी कर रहा हूं। अर्ज ये करूं कि जिस तरह आप साथी भाई ने देखा था कि हालिया जो बलिया की इलेक्शन हुई थी जिसमें यहां हमारे जो एक वडेरे थे तहसील असलाम कोर्ट के अंदर डिस्टिंग्विशी थरपारकर में, हालांकि वो दो ग्रेड के एम्प्लायर भी हैं सरकारी मुलाजिम है जो पाकिस्तान का रूल भी कहता है सरकारी मुलाजिम कहीं भी इलेक्शन पे भी नहीं जा सकता। ये सारी चीजें मेरे पास है। उसने पोलिंग स्टेशन पे जाके एक प्रेजिडेंट ऑफिसर को सरेआम तशद्दुद किया है। ये वडेरा शाही की और मैं कहता हूं सिंध हुकूमत की नाहली का यही बड़ा सबूत है कि प्रेजिडेंट ऑफिसर वो 17-18 स्कैन का वो भी महफूज नहीं है। सरेआम को चाटे मारे कि आप हमारा बॉक्स आउट कराएं तो वो बेचारा कह रहा है मेरा क्या कसूर है मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो गालियां गलूज दी गई है, वो बड़ी वीडियो वायरल हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज गया है। मैं आपके जो सहारे से मैं ये अर्ज करता हूँ कि ओवरऑल हमारा हम पीसफुल लोग हैं पाकिस्तान के इस तरह के जो वडेरे हरकत करते हैं लोग करते हैं इस तरह हमारा ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर मोरल खराब जा रहा है। पहले भी मिनॉरिटी या हिंदू लोग पैसे पिछले हुए तबका है इस तरह की वीडियो वगैरह जाती है जो हमारे वडेरे जुलम करते हैं इसमें बड़ा जुलम होता है। इसलिए आज जब मैं यहाँ पे 100% पेश हुआ हूँ हालांकि वडेरा शाह इतनी बासर है जो अप्लीकेंट था उसकी FIR भी उन्होंने दर्ज नहीं होने दी। फिर मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हुकूमत बनी हुई वन मैन कमीशन जिसका चेयरमैन डॉक्टर शोएब सदर साहब है वहां पे जाके मैंने पीछे दर्ज की है। डॉक्टर शोएब सदर साहब के हुक्म पर वन मैन कमीशन के हुक्म पर मिनाटी के पे FIR दर्ज हुई है। उसके बाद में मुस्लिम से 3 रिमाइंडर भेजे गए अभी तक DPO वहां का कोई रिपोर्ट नहीं ले रहा है। ये वन मैन कमीशन की जो आपको अर्ज करूं मुस्लिम से 3 रिमाइंडर है अभी तक वहां का DPO जो मिट्टी का है वटेर की कमदारी कर रहा है सर यहाँ वहां रिजल्ट नहीं दे रहा है। दूसरा अर्ज करूं ये जो गुलाम अहमद यूनो जो हेबिचुअल आदिवासी है इसने 2018 की इलेक्शन में भी इसी तरह पोलिंग स्टेशन पे अपना पोलिंग अमले पे तशद्दुद हुआ था उस पर ये पोलिंग स्टेशन पे अपना पोलिंग अमले पे तशद्दुद हुआ था उस पर ये 10,00,000 का जुर्माना भी लगा हुआ है। हेबिचुअल बंदा है हालांकि वो 2 ग्रेड का आए मुलाजिम भी है उसने किस तरह अपना ये जाली कागजों में लेकर एक 9 ग्रेड की पोस्ट पे गया है उसने वो 16 ग्रेड की पोस्ट पे काम कर रहा है। अनपढ़ अंगूठे छाप बंदा ये हमारी सिंध की सिचुएशन है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें हमसे जो कि बड़ा जुलम हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ने पहले 100 वोट रिपोर्ट किया था आज उसमें मैं 100% पेश हुआ हूँ। मैंने इल्तिजा किया चीफ इलेक्शन कमीशन को कि मेहरबानी करके ये हमारे अहम इशू है आपने इसके अंदर ये जो दरख्वास्त दे रहा है दरख्वास्तार अप्लीकेंट डॉक्टर घनश्याम दास उसने वहां पे इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है उसके अंदर PS भी दी है। अलग पैरा मेडिकल अमला है जो डॉक्टरों का उन्होंने ये प्रोटेस्ट भी किया है इस्लाम कोर्ट के अंदर उनका भी ये प्रेस रिलीज लगा हुआ है। तो इस तरह की ये गवर्नमेंट मुलाजमत का ये सर्विस बुक का ये चीज है सब और इस तरह ये अपना इलेक्शन कमीशन का सरकारी मुलाजिम कोई भी वो अपना इलेक्शन में मदाखत नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट बनी 2016 की जो आउट इन्फॉर्मेशन होती है वो लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या ये इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम पता नहीं किस कहां पे रह रहे हैं किस कंट्री में रह रहे हैं एक रियासत के अंदर दूसरी वडेरों की रियासत है उस पर हमें यकीन है हमें यहां इस्लामाबाद पहुंचे हमें यहां से इंसाफ मिलेगा और आज साहबी भाई की तावन से हमारा जो ये साउंड इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेगा जिस तरह जो वडेरा शाह ये जागीरदार निजाम है फीडल सिस्टम उसको एक करेगा उस तरह इस तरह की ये चीजें खत्म होगी आपकी तावन से। मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने मुझे सुना और हमने दिया मेहरबानी आपकी और कुछ सवाल वगैरह तो आपसे मैं आपका।